पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। रणबीर, डॉक्टर मधुरिमा इज द बेस्ट और वो मेरी केस हिस्ट्री भी जानती है, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर हर। ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ सिंपल टेस्ट, कोई बीमारी थोड़ी है। रणबीर, डोंट वरी मैम, टेस्ट तो नर्स ही करेगी और डॉक्टर्स कोई भी, उन्हें बस सुपरवाइज करना है। एग्जैक्टली। डॉक्टर प्रीति। सर, डॉक्टर प्रीति, नई डॉक्टर का बिल बनाना है, जस्ट लेट इट बी। ओह माय गॉड, तुम? एक्सक्यूज मी, आप मुझे जानते हैं? कैसी हैं डॉक्टर प्रीति? एकदम बढ़िया, तुम कैसे हो? मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, आप देख लीजिए मुझे। आंखों की डॉक्टर नहीं हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पता है मुझे, घर पर सब कैसे हैं? एकदम बढ़िया, अब तुम बताओ तुम कैसी हो, कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ। रणबीर, ये डॉक्टर प्रीति है, सरिता आंटी के यहाँ जब हम रहते थे ना तो ये हमारी पड़ोस में रहती थी। अरे हेलो डॉक्टर। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं प्राची का हस्बैंड हूँ। और डॉक्टर, ये रिया है मेरी बहन। हेलो। अब फैमिली यहाँ पे है तो प्रॉब्लम कुछ बड़ी लग रही है, बताओ ना क्या हुआ है। एक्चुअली रिया प्रेग्नेंट है और हमें ना कुछ टेस्ट करवाने थे, मतलब DNA टेस्ट। हो जाएगा, कम विद मी। चलो रिया, डॉक्टर प्रीति बहुत अच्छी, ट्रस्ट मी, चलो चलो। कम ऑन, थैंक यू। बैठो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर प्रीति और मैं एक दूसरे को जानते हैं, तो उनके सामने तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरे पति हो? क्या गलत बोला? जो मैं हूँ वो मैं हूँ ना, उनके सामने क्या? अगर तुम कहो तो मैं पूरी दुनिया के सामने खड़ा होकर बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारा पति। क्या हुआ पल्लवी, अभी भी तुम वही सोच रही हो जो विक्रम ने सुनाया तुम्हें? बात सिर्फ सुनाने की नहीं है, मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो तुम? आलिया, इससे पहले विक्रम मुझसे इतना गुस्सा कभी नहीं हुए, मतलब कहा सुनी हुई है हमारे बीच में, लेकिन इतना गुस्सा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने कोई और खड़ा है। एंड यू नो व्हाट, बातें तो निकल जाएगी दिमाग से, लेकिन जो बातें घर कर गई है उसे कैसे निकालूंगी मैं? नहीं नहीं पल्लवी, रोना नहीं है, रोना बिल्कुल भी नहीं है, बी स्ट्रॉन्ग। हस्बैंड वाइफ के बीच में तो ये सब चलता रहता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ गुस्सा भी होता है, प्लीज डोंट टेक ऑल दीस थिंग्स पर्सनली। ओ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकती हूँ, बट विक्रम के मुंह से ऐसी बातें, वो भी उस प्राची की वजह से। ओह गॉड, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड कि हस्बैंड वाइफ में क्या चल रहा है, मुझे बस प्राची के बारे में सुनना है। उसके अगेंस्ट बोलो, उसकी शादी करो और भेजो उसे सिट के साथ। सॉरी, कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, पर मैं बस सोच रही थी कि प्राची और सिद्ध की शादी हो जाती तो वो इस घर से चली जाती। तो मैं विक्रम की बात कर रही हूँ यहाँ पे, और तुम्हें शादी की पड़ी है? ओ कम ऑन पल्लवी, कोई तुम नई नवेली दुल्हन थोड़ी ना हो, जो हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो रो रो के सबको बताओगी। आई मीन पल्लवी, तुम जानती हो कि विक्रम तुमसे कितना प्यार करता है। मैं बस ये सोच रही थी कि प्राची और सिद्ध की शादी हो जाती तो ये सब होता नहीं, वो इस वक्त यहाँ पर है तो रो रो कर अपने मगरमच्छ वाले आंसू दिखाकर विक्रम को इमोशनल कर रही है, और तुम जानती हो विक्रम को तो सीधा है, वो यहाँ होगी नहीं तो कौन लेगा उसकी साइड, कौन देखेगा कि वो सुखी है या दुखी है। इसलिए कह रही हूँ कि जल्द से जल्द प्राची की शादी करा दो, वो यहाँ से चली जाएगी तो ये सब नहीं होगा। कमॉन, कल संगीत है, तैयारियां शुरू करते हैं, डेकोरेटर्स और केटरर्स को बुलाना शुरू करते हैं। ओके, यू राइट। थैंक गॉड ये ठीक हो गई, और अब इसका सारा ध्यान शादी पे है, बस ऐसे ही सारे काम होते रहे तो प्राची जल्दी हमारी लाइफ से आउट हो जाएगी। पल्लवी, सिद्ध अपने कमरे में नहीं है, सारा सामान रूम का बिखरा पड़ा हुआ है, जैसे लगता है कि तोड़फोड़ हुई हो उस कमरे में। मुझे तो ये सब देखकर लग रहा है कि सिद्ध को किसी ने अगवा कर लिया। What? हाँ, चलो चलो चलो। वैसे कौन सा मंच चल रहा है?
सॉरी डॉक्टर हूँ, पूछने का रीजन है, मैंने प्रेगनेंसी के काफ़ी सारे केसेस हैंडल किए हैं। वैसे तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि अभी इनिशियल मंथ ही है, दैट मीन्स कि तुम ठीक से डाइट नहीं ले रही। नो नो डॉक्टर, इनफैक्ट उल्टा है, घर में सब मेरी बहुत केयर करते हैं, इनफैक्ट मुझे फोर्सफुली खाना भी खिलाते हैं। देन नो वरीज, मैं फाइल देख लेती हूँ, बेटर होगा कि सारे डिटेल्स उसमें एक हो। ओह माय गॉड, अब तो पकड़ी जाऊंगी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ये सच सामने आया देन एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। तुम्हें रीदा की बात पे पूरा भरोसा है? जैसे उसे पता चलेगा ना कि रिया के बच्चे का बाप वो नहीं है, वो तुझे जाने से रोक लेगा, वो कहीं नहीं जाने देगा, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है। ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मैं समझी नहीं। तुम समझी नहीं? तुम जब ऐसे बच्चों की तरह चीजें करती हो ना, बहुत क्यूट लगती हो। एक्सक्यूज मी, मैं क्यूट नहीं हूं। हो ना, तुम बहुत क्यूट हो। नहीं हूं। अरे सच्ची में हो? प्राची, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सच सच बताओगे? ऑफ कोर्स। तुम मुझ पे भरोसा करते हो? ये क्यों पूछ रही हो तुम? ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल जब सच झूठ का पता चल जाएगा, सच सामने आ जाएगा, तो हो सकता है मैं तुमसे कोई सवाल करूं, तो मैं जानना चाहती हूँ तुम उस सवाल का जवाब दोगे नॉर्मल लोगों की तरह, या फिर पलट के सवाल करोगे तुम्हारी तरह। अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब नहीं दिया तुमने। तुम्हें सच में जवाब नहीं पता है? देखो, तुम जो भी सवाल पूछोगी उसके जवाब तुम्हें मिलेंगे, और वो जवाब मिलेंगे जो तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। अभी के लिए तुम रिलैक्स करो। मेरा केस तो मधुरिमा हैंडल करे, वही बेस्ट है, वो मेरी फ्रेंड है, हर तरह से मेरा फेवर करेगी। It's okay, हाथ लग गया और I'm so sorry. It's okay. मैं इसे बाहर फेंक कर आती हूँ, पता नहीं स्वीपर कहाँ चले गए, डस्टबिन रख के। God. God damn it, मधुरिमा, pick up the phone. अरे relax. मैं तो बस ये टिश्यू फेंकने आई थी, और रिया के कुछ टेस्ट बाकी हैं, नर्स आ जाए वो भी करवा देती हूँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। दिवाली तो चली गई, पर असली रोशनी कल होगी, जब रिया और आलिया भूजी के झूठ पर से पर्दा उठेगा और सच सबके सामने आ जाएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।